टीचिंग ओडिशा को पुणि थरे स्वागत। आज आम कौन पढ़ा? आज आम लॉजिक्र प्रैक्टिस क्लास, लॉजिक्र प्रैक्टिस क्लास जो आम पार्ट वन कर देते। आज आम पार्ट टू सेकेंड पार्ट आउ सेकेंड वीडियो आम करवा, तो सेकेंड पार्ट लॉजिक प्रैक्टिस वीडियो करवा। तो एम सी क्यू आम आलोचना करवा, लॉजिक्र लॉजिक्र किसी एम सी क्यू आलोचना करवा। तुम मैंने देख सब एनसर निजे तुम आगे क्वेश्चन देखें चेस्ट कर, तुम भिडियो टू पज कर तुम एनसर देखा चेस्ट कर, देख भूल हो ठीक हो जो देख भूल हो तुम से तुम्हें भल भाव क्लीयर करम एग्जाम पूर्व क्लीयर करम भल भाव तुम एग्जाम प्रिपेरेसन कर, तुम भल रेजल्ट निश्चय आसव। तुम मैंने पूर्व क्लास भी कही कि जो मैंने एम सी क्यू भिड न देख से देखे नियो सीटा मुझे जो एम सी क्यूर हल चैप्टर हल सिलेबस सब क्वेश्चन डिस्कसन कराई जहाँ भी क्वेश्चन आसो एग्जाम जो प्रकार क्वेश्चन आसूसी से अनुसार तुम 2010 पाखर ए जो 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 क्वेश्चन सब पढ़ी से सब कवर कर डेरी कर आरंभ करवा। कौन रही प्रैक्टिस क्लास आज तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे इनफरेन्स प्रोवाइड्स व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज। इनफरेन्स प्रोवाइड्स के प्रकार नॉलेज इनफरेन्स प्रोवाइड करता है इनडायरेक्ट नॉलेज ऑप्शन बी। सेकंड कौन ना इन कन्वर्सन आई गिव्स व्हाट बा आई आई प्रपोजिशन कन्वर्सन कले आमको कौन पाइबा ऑप्शन बी आई प्रपोजिशन पाइबा आई प्रपोजिशन कन्वर्सन आई प्रपोजिशन। नेक्स्ट कौन अच्छे द कनक्लूजन ऑफ ओवरसन इज कॉल्ड डैश ओवरसन कनक्लूजन को कौन कह जाए आम जानते ओवरसन कनक्लूजन को ओवर्स कहुए ऑप्शन डी देखे टे भूल अच्छे ओवरसन लिखाई तो ओवरसन कनक्लूजन कौन हम ओवर्स ओ बी वी आर एस ई बुझा एस ई हम ये भूल से ओवरसन रही जाए ऑप्शन डी ओवर्स। नेक्स्ट कौन अच्छे हाउ मेनी वैलिड मूड्स आर देयर इन थर्ड फिगर में कतोटी वैलिड मूड रही आम जानते थर्ड फिगर में छह वैलिड मूड रही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे नॉन वायलेंस इनवॉल्व्स व्हाट नॉन वायलेंस कौन रही नॉन वायलेंस रे ऑप्शन सी सैक्रिफाइस नॉन वायलेंस इनवॉल्व्स सैक्रिफाइस। नेक्स्ट कौन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्स्ड सिलोजिज्म आर देयर केते प्रकार मिक्स्ड सिलोजिज्म रही हम जानते चारि प्रकार ऑप्शन सी चारि प्रकार मिक्स्ड सिलोजिज्म रही कौन जान कौन कौन ना मिक्स्ड हाइपोथेटिकल मिक्स्ड अल्टरनेटिव मिक्स्ड डिजंक्टिव आउ डिलेमा बुझीगला। नेक्स्ट कौन व्हाट इज द मेजर प्रेमिस ऑफ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म रो मेजर प्रेमिस कौन आम जानते मेजर प्रेमिस हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन ऑप्शन ए। नेक्स्ट कौन नेक्स्ट क्वेश्चन ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस एलएनसी इग्नोरेंस एलएनसी रो अर्थ कौन ऑप्शन ए इग्नोरिंग द पॉइंट ऑफ इश्यू ये क्वेश्चन मैं आसे तुम मैंने देखी नब फिलेसी चैप्टर इग्नोरेंस एलएनसी रो अर्थ कौन ना इग्नोरिंग द पॉइंट ऑफ इश्यू एटा मन रख बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सिंबॉलिक लॉजिक इज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट सिंबॉलिक लॉजिक कहार डेवलपमेंट अटे आम जानते ट्रेडिशनल लॉजिक रो डेवलपमेंट होगी सिंबॉलिक लॉजिक आसी बुझेगा। नेक्स्ट कौन व्हिच वन इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिसजंक्शन डिसजंक्शन रो केउटा सिंबॉलिक फॉर्म ऑप्शन बी होची आंसर। तो ये जो भी टाइप रो जो सिंबल होची डिसजंक्टिव रो सिंबॉलिक फॉर्म बा डिसजंक्टिव फंक्शन रो सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोसेसेस प्रोसेसेस डबल सेट ऑफ एग्जांपल केउ मेथड रे डबल सेट ऑफ एग्जांपल व्यवहार करा जाय आम पूर्व क्लास डिस्कशन करते कि जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस रे टू सेट ऑफ इंस्टेंसेस व्यवहार करा जाए बा एग्जांपल रे डबल सेट ऑफ एग्जांपल निया जाए जेतु जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट आउ डिफरेंस दुईटा मेथड रो जॉइंट मेथड अटे से दुई प्रकार एग्जांपल निया जाए बुझीगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी पी क्यू मतलब जो पी आउ क्यू जो रिलेशन रही इम्प्लाइज व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी ये जो पी आउ क्यू मध्य जो रिलेशन रही है क्यों प्रकार कनेक्टिव दर्शाऊँगी ऑप्शन ए इम्प्लिकेटिव कनेक्शन। देखो जो इम्प्लिकेटिव फंक्शन सिंबल अच्छे इम्प्लिकेटिव फंक्शन पी आउ क्यू मध्य इम्प्लिकेटिव फंक्शन रिलेशन रही इम्प्लिकेटिव कनेक्टिव रही
ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ 11 ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତୁମର 11 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ସୋ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡେଲିଭର୍ ଏ ସ୍ପିଚ୍, ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ, ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଉପରେ ତୁମର ଉପରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାର କୌଣସି ତୁମର ରାଇଟ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେଲାସି ଡଜ୍ ଦ ଏଭବ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କମିଟ୍, ଏ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଫେଲାସି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି ଯିଏ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ଯେହେତୁ 11 ବା 11 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେଇ ଫେଲାସିକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଫେଲାସି ଅଫ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ଏଣ୍ଡ ହୋମିନେମ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ହୋମିନେମ୍, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ, ତା'ର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ, ତାହେଲେ ସେ ହୋମିଓ ସାପିଏନ୍ସ ଓ ହୋମିନେମ୍ରୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫେଲାସି ଅଫ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ଏଣ୍ଡ ହୋମିନେମ୍। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫେନୋମେନମ୍, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫେନୋମେନମ୍ରେ କେଉଁ ମେଥଡ୍, କେଉଁ ମିନ୍ସକ ମେଥଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେଉଁ ମେଥଡ୍, ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡ଼ିଉ। ମୁଁ କହିଥିଲି ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡ଼ିଉ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବଳକା, ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫେନୋମେନମ୍ରୁ ସେ ବଳକା କାଢ଼େ, ଯେଉଁ ବଳକାଟା ରହିବ ସେଇଟା ରେଜଲ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫେନୋମେନମ୍ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ମେଥଡ୍ ବା ରେସିଡ଼ିଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କଜ୍, କେଉଁଥିରେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ କେଉଁ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ କନ୍କମିଟାନ୍ସ ଭେରିଏସନ୍, ଅପସନ୍ ବି, କାହିଁକିନା ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ କନ୍କମିଟାନ୍ସ ଭେରିଏସନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଦେଖିଥାଏ, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଇ ଟିଚିଙ୍କୁ ବିଦାୟ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।